फिजियोथेरेपी छात्र छात्राओं ने विभिन्न समस्या को इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के नाम पे दिया है जिला कलेक्टर को ज्ञापन। बताया जा रहा है कि झालामांड में स्थित फिजियोथेरेपी भवन 2016 में आवंटित हो चुका था, लेकिन अभी तक राशि की घोषणा नहीं हो पाने के कारण भवन का काम अभी तक अधर में लटका हुआ है, जिसके कारण फिजियोथेरेपी की कक्षाएं डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान कॉलेज में 3 कमरों में संचालित हो रही है। 2016 के बाद से अभी तक कॉलेज का काम शुरू नहीं हुआ है और कहा गया है कि हमारी स्वतंत्र काउंसलिंग का गठन किया जाए ताकि भारत के राज्यों में अपना पंजीयन करवाने के लिए नहीं जाना पड़े। फिजियोथेरेपी को मेडिकल एमएससी की योग्य आरयूएचएस से जोड़ा जाए, सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज के निर्माण कर सुचारू रूप से झालामंड में संचालित किया जाए। इन लोगों की कई मांगे हैं जो सरकार से हैं और लगातार की जा रही हैं। इन लोगों का कहना है कि ये सुविधाएं नहीं मिलने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनकी भविष्य की संभावनाएं खत्म हो रही है, जिसको लेकर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। कॉलेज से जिला कलेक्टर तक रैली की है, बाइक रैली, और हम हमारे यहाँ पे काउंसिल की मांग करने आए हैं। हमारे इंडिपेंडेंट काउंसिल नहीं है, गर्ल्स जो हैं वो बाहर के स्टेट से आके पढ़ती हैं लेकिन उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, और हमारे काउंसिल के लिए भी नहीं है। प्लस हमारा जो बजट आया था 1 करोड़ का, वो पता नहीं कहाँ गया। हम मेडिकल एमएससी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। हम यही सब मांगों को पूरा करने के लिए और उम्मीद लेके आए थे कलेक्टर सर के पास में, ताकि वो हमारी मांग को सुने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जोधपुर से ये थी रफीक मोहम्मद की रिपोर्ट।